निजी वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, इससे लंबे ट्रैफिक क्लियर करने में बहुत कम समय लगेगा और लोगों का समय बर्बाद होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए नया नियम लागू करने की बात कही। आपको बता दें कि टोल टैक्सी से नियमावली में प्रावधान में ना सिर्फ समस्या से निजात मिलेगी और निजी वाहन मालिकों के चेहरे भी खिल उठेंगे। हिंदू समन्वय समिति द्वारा आयोजित किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम, इस दौरान लॉन्च किया गया पर्यावरण गीत जिसमें सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर योगेश ताम्रकार जी रहे उपस्थित। केबी के लाइन टूटने पर फोन लगाने पर छिबौर पावर हाउस में पदस्थ लाइन मैन देवेंद्र सिंह ने गाली देते हुए फोन काट दिया। बिजली कंपनी में पदस्थ लाइन मैन देवेंद्र सिंह गाली का करते हैं प्रयोग। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठी रोड स्थित विंद क्लब में आज 8 दिन से नाली खोदकर छोड़कर चले गए नगर निगम के कर्मचारी, लोग हो रहे परेशान। नगर पालिका निगम सतना के वार्ड क्रमांक 2 का है मामला। ग्वालियर महानगर में पहली बार फूलबाग मैदान पर लगाया जा रहा है सावन उत्सव मेला। ग्वालियर पिछले काफी समय में विश्व वैश्विक बीमारी कोरोना की मार झेल रहे ग्वालियर वासियों के लिए एक खुशनुमा माहौल लाने के लिए इस वर्ष 7 अगस्त से 1 महीने के लिए फूलबाग मैदान पर सावन उत्सव मेला लगाया गया। तिरंगा अभियान के तहत ग्वालियर में 1111 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो महाराजवाड़े से शुरू होकर फूलबाग तक पहुंची, जिसमें हजारों स्कूली बच्चे के साथ आमजन ने हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के गीत के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा को महाराजवाड़े पर ग्वालियर IG डी श्रीनिवास के साथ पुलिस अधीक्षक अमित सांगी, नगर निगम एडिशनल कमिश्नर अतेंद्र सिंह गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, जबकि समापन फूलबाग पर नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने हाथ में तिरंगा थामे यात्रा का किया स्वागत। सत्ता नगर निगम निर्वाचित मेयर और पार्षदों ने रविवार को टाउन हॉल परिसर में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान महापौर योगेश ताम्रकार ने हिंदी एवं संस्कृत भाषा में ली शपथ। जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, जनता निराश नहीं होगी, उनको अपने निर्णय पर प्रसन्नता होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप सबसे पहला कार्य जो है जनता के हित में क्या करेंगे? मैंने आज कर दिया है, अगर आपको ध्यान होगा मैंने अपने शपथ पत्र में, संकल्प पत्र में कुछ बातें लिखी थी। एक हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा, आज शपथ ग्रहण के साथ ही मैंने वो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। हेल्प डेस्क का निर्माण करूंगा, हेल्प डेस्क बन के तैयार हो गई है, कल जिस दिन पहले दिन मैं चार्ज लूँगा उस हेल्प डेस्क का भी उद्घाटन करूँगा। इस प्रकार से आम जनता को छोटी छोटी बातों के लिए नगर निगम में दिक्कत न हो, उसकी सुविधा के लिए जो भी हो सकेगा मैं करूँगा और ये प्रयास आज से ही चालू हो गया। आगामी रणनीति सतना के विकास की बनेगी, सतना में विकास की गंगा बहेगी। मैहर सिविल अस्पताल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं, जहां लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते मैहर सिविल अस्पताल हमेशा से लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बना रहता है, वहीं आज एक ऐसा चित्र सामने आया जिसे देखकर आप और हम शर्मसार हो जाएंगे। यह चित्र है मैहर के शव परीक्षण ग्रह का, जहाँ पर शवों का पोस्टमार्टम होता है और इस पोस्टमार्टम ग्रह पर पानी भरा हुआ है और वहीं पर जाकर शव का परीक्षण होता है। सिविल अस्पताल मैहर की ऐसी दुर्दशा, धन्य है मैहर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर सर्वेश प्रताप सिंह द्वारा परिजनों से मृतक की मनचाही PM रिपोर्ट बनाने के नाम पर मांगे गए 5,000 रुपए। मामला उचेरा थाना के बरा गांव का, जनों द्वारा डॉक्टर से पैसा मांगे जाने की शिकायत फोन से BMO सहित CMHO से की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संयुक्त संगठन सतना द्वारा गांधी जी की प्रतिमा सिविल लाइन सतना से कलेक्ट्रेट भवन तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आजादी महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को सम्मान देते हुए यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच कर यात्रा को सफल बनाया।